पिछले के कुछ वीडियोस में आप लोगों ने ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी के वीडियोस देखे थे, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर, इसके अलावा प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो क्लाइमेटोलॉजी को ही हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग एक और बेसिक सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग विंड सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस विंड सिस्टम के छोटे से टॉपिक पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस लैटिट्यूड पे जो विंड का सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। और ये विंड सिस्टम जब आप लोगों को एक बार समझ में आ जाता है, तो इंडिया में जो मॉनसून की थ्योरी है, चाहे वो साउथ वेस्ट मॉनसून हो, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून हो, ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लोन हो, वो काफी अच्छे से क्लियर हो जाता है। यहां पर अगर आप देखते हैं तो विंड मेजरली दो तरीके की ही पाई जाती है पूरी दुनिया में। एक होती है ईस्टरली, एक होती है वेस्टरली। ईस्टरली विंड्स वो होती हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, और वेस्टर्ली विंड्स वो होती हैं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं, दैट मींस पश्चिम से पूरब की ओर जाती हैं। अब मैपिंग के थ्रू हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं ये कहां पर आती है। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर लैटिट्यूड डिसाइड किया है 0, 30, 60 और 90 डिग्री का। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर मैंने ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन को एक ही लैटिट्यूड में ले लिया है 0 to 30 में, क्योंकि ट्रॉपिकल जोन तो हमारा 0 to 23.5 डिग्री होता है और 23.5 से लेकर 30 तक सब ट्रॉपिकल जोन होता है। लेकिन अगर हम लोग सब ट्रॉपिकल जोन और ट्रॉपिकल जोन के कहीं ना कहीं कैरेक्टर की बात करें तो वो काफी हद तक मैच करता है, और विंड सिस्टम में हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन को एक साथ पढ़ सकते हैं, देयर इज नो इश्यू विद दैट। सो अगर आप यहां पर देखते हैं 0 to 30 डिग्री जो नदन और सदन हेमिस्फीयर है, यहां पर जो विंड्स आपकी बह रही है वो आपकी ईस्टर्ली विंड्स है। If you could see here, यहां पर आपके नदन ट्रॉपिकल जोन में जो विंड है आपकी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है, और आपका जो सदन ट्रॉपिकल जोन है उसमें जो विंड है आपकी साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ईस्ट टू वेस्ट का ही हमारा डायरेक्शन है। नाउ इफ यू कम टू द टेम्परेट जोन ऑफ 30 to 60 डिग्री, यहां पर आपको वेस्टर्ली विंड्स देखने को बहने को मिलेंगी, चाहे वो नदर हेमिस्फीयर का टेम्परेट जोन हो, चाहे वो सदर हेमिस्फीयर का टेम्परेट जोन हो। यहां पर वेस्टर्ली विंड रहेंगी तो ऑब्वियसली बात है कि एज यू कैन सी कि नदन वाले टेम्परेट जोन में जो डायरेक्शन है दैट इज साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, और अगर आप सदन वाले में देखते हैं सो इट इज नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। नाउ इफ यू कम टू द पोलर जोन, अब अगेन जो जिस तरीके से हमने ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन को एक ही में ट्रॉपिकल जोन में ले लिया, यहां पर भी हमने सेम चीज की है, क्योंकि विंड का डायरेक्शन यहां पर ऑलमोस्ट सेम होता है। जिस तरीके से सब पोलर जोन 60 to 66.5 होता है एंड पोलर जोन 66.5 to 90 होता है, हमने बेसिकली इसे पोलर जोन ही एक साथ मान लिया क्योंकि विंड का डायरेक्शन यहां पर सेम है। अब जो आपके 60 to 90 डिग्री का एरिया है, यहां पर बेसिकली ईस्टर्लीज ही बहती है, जिस तरीके से ईस्टर्ली आपके ट्रॉपिकल जोन में बहती हैं, यहां तक कि इनका डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम रहेगा। नदन पोलर जोन में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट और सदन पोलर जोन में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, लेकिन ये जो ईस्टर्लीज हैं ये पोलर जोन में ब्लो कर रही हैं, इसीलिए हम इसे ईस्टर्ली न कहकर पोलर विंड्स कहते हैं। फेयर इनफ। अब यहां पर एक और चीज है यहां पर देखने के लायक जो है, ये हियर इज योर सन, ये जो सन रेज है कहीं ना कहीं इक्वेटर के आसपास पैरेलल डालता है। ये वाला जो आप रीजन देख रहे हैं जिसे हम लोग डोलड्रम भी कहते हैं, 5 डिग्री नदन to 5 डिग्री सदन लैटिट्यूड, जो 10 डिग्री का एरिया होता है, इसे हम लोग ITCZ के नाम से जानते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसका एक सिंपल सा रीजन है, देखिए एक तो ये ट्रॉपिकल जोन है इसलिए यहां पर ट्रॉपिकल बात आ गया। अब इंटर ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिकल जोन में भी बहुत अंदर की तरफ इंटरनली यहां पर कन्वर्ज हो रही है विंड्स। अगर आप ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की तरफ बहने वाली विंड्स देखें और साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहने वाली विंड्स देखें, तो ये जो दोनों विंड्स हैं कन्वर्ज हो रही हैं इक्वेटर पे, डोलड्रम पे, तो ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहलाता है। अब यहां पर सन अगर इसके पैरेलली है तो ये ITCZ यहां पर क्रिएट हो रहा है, और यहां का जो रीजन है गर्म हो जाता है, यहां की हवा भी गर्म हो जाती है। लेकिन एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ये ITCZ आपको हमेशा इक्वेटर पर या डोलड्रम पर नहीं मिलता। 21st of March के बाद जो सन है वो अर्थ के नदन हेमिस्फीयर की तरफ जाता है, और 22nd, 23rd September के बाद जो सन है वो अर्थ के सदन हेमिस्फीयर में जाता है। सन की लोकेशन अगर अर्थ के नदन या सदन हेमिस्फीयर में चेंज होती है तो जो आपका ITCZ है उसकी भी लोकेशन चेंज होती है।
फॉर एग्जाम्पल 21st ऑफ मार्च के बाद ITCZ आपका अर्थ के नदन हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ने लगता है और सितंबर में 22nd-3rd September के बाद आपका ITCZ अर्थ के सदन हेमिस्फीयर में बढ़ने लगता है। जिस भी लैटिट्यूड में ITCZ एस्टैब्लिश हो जाता है वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, दैट मींस टेम्परेचर बढ़ जाता है। इंडिया में जब हम लोग मई के मंथ में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं उस टाइम पे जो ITCZ है वो एग्जैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर एस्टैब्लिश होता है, और दिसंबर और जनवरी में जब हम ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा गर्मी देखते हैं तो उस टाइम पे ITCZ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर एस्टैब्लिश होता है। ये जो आपको विंड्स की डायरेक्शन पढ़ाई गई है और जो ITCZ के बारे में पढ़ाया गया है ये आपके आने वाले साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है उसमें आपको काफी हद तक काम आएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।